और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें, एनकाउंटर में आरोपी उस्मान को गोली लगी। पुलिस मुठभेड़ में उस्मान चौधरी की मौत हो गई है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपको बता दें, उस्मान चौधरी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और सूत्र बता रहे हैं कि एनकाउंटर हुआ जिसमें उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी शूटर्स यानी आरोपियों की सरगर्मी से यूपी पुलिस तलाश कर रही थी, छापेमारी चल रही थी और उनमें से एक उस्मान चौधरी पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। अब बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी उस्मान चौधरी का एनकाउंटर हुआ है और उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उसे गोली लगी है, तो गोली लगने की वजह से उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी की मौत हो गई है। एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में पुलिस ने उसे मार गिराया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। एनकाउंटर के बाद उस्मान को गोली लगी जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये दूसरा एनकाउंटर हुआ है उमेश पाल हत्याकांड में। जितने भी शूटर्स थे सभी की सरगर्मी से तलाश इस घटना के बाद यूपी पुलिस कर रही थी। इनाम भी घोषित किया गया, 50,000 रुपए का इनाम इन सभी पर घोषित है और उन्हीं में से एक उस्मान चौधरी का एनकाउंटर कर दिया गया है और सूत्र बता रहे हैं कि गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। इससे पहले एक और एनकाउंटर हुआ था जिसमें इस घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कार का ड्राइवर मुठभेड़ में मारा गया और अब उस्मान चौधरी नाम के शख्स का भी एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया है। पंकज चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पंकज, ये दूसरा एनकाउंटर उमेश पाल हत्याकांड में, और क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, ये कौंदियारा जगह है जहां पर इसका एनकाउंटर किया गया है। विजय उस्मान नाम बताया जा रहा है इसका। इसने ही पहली गोली उमेश पाल को मारी थी जिसका आज एनकाउंटर किया गया है। सूत्रों वाले से खबर आ रही है कि उसका वहीं पे ही एनकाउंटर किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान ही इसकी मौत हुई है वहां पर। जिस तरह से इसने पहली गोली इस घटनाक्रम में मारी थी, पुलिस का ये दावा है कि पहली गोली जो मारी गई थी सीसीटीवी के आधार पर ये देखा गया है, ये इसकी पहचान की गई थी कि इसका नाम उस्मान है और जिसने पहली गोली मारी थी उमेश पाल को। और जिस दौरान उमेश पाल अपनी गाड़ी से निकले थे और कान में फोन लगाकर बात कर रहे थे, उसी दौरान इसने पहली गोली मारी थी और उस जिसे जैसे ही गोली लगी थी उमेश पाल को, उमेश पाल कार से बाहर निकलते ही गिर पड़े थे। और जिस तरह की ये घटना थी उसके बाद से ये दूसरा इनकाउंटर है, बड़ी खबर है। ये दूसरा इनकाउंटर हुआ है, ये कौंदियारा क्षेत्र पड़ता है इलाहाबाद से, शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है जगह पे, जिस जगह पे ये इनकाउंटर किया गया है। जी बिल्कुल, और पुलिस को कैसे जानकारी मिली थी क्योंकि इसके ऊपर इनाम घोषित था 50,000 का, कैसे कामयाबी मिली पुलिस को? बिल्कुल, इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का ये कहना है कि सूत्रों के हवाले से उन्हें जानकारी मिली थी कि देर रात के इसके पीछे पुलिस लगाई गई थी और ये कहीं बाइक से जा रहा था, उसी दौरान जो है पुलिस को सूचना मिली थी तो भोर में ही पुलिस वहां पे उसके पीछे लग गई थी। जिस दौरान वहां पुलिस पीछे लगी तो उसने फायरिंग करना चालू किया पुलिस के ऊपर, जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके ऊपर भी फायरिंग की है जिसके दौरान इसको गोली लगी है। पहली गोली उसके पैर के पास लगी थी, दूसरी गोली इसके पेट के पास लगी, तो इसी दौरान 3 से 4 गोलियां इसके ऊपर लगी है। और फिलहाल अभी इसे वहां से लेकर इसकी बॉडी को मर्चरी के लिए भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम हाउस के लिए, तो इलाहाबाद के स्वरूप रानी हॉस्पिटल में इसका जो शव है वो भेजा जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद सिटी से 35 किलोमीटर दूर है कौंदियारा थाना क्षेत्र, जिस जगह पे ये घटना हुई है तो वहां से यहाँ आने में लगभग 35 से 40 मिनट और लगेंगे। हमारी टीम News24 की टीम वहां पहुंच चुकी है, पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुकी है और एक टीम वहां पहुंच रही है जिस जगह पे ये घटना हुई है, तो जल्द से जल्द दस्तों को पूरी के पूरी जानकारी के साथ वीडियो वहां का पहुंचाया जाएगा जिस तरह की यहां घटना हुई है। क्योंकि ये दूसरा इनकाउंटर है तो बहुत बड़ी खबर है, जिस तरह से ये दिन दहाड़े जो हत्या हुई थी उमेश पाल हत्याकांड, उसमें 2-2 कांस्टेबल की मौत हुई थी, तो ये अपने आप में जिस तरह से पुलिस ने ये जवाबी जो आज कार्रवाई की है ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, तो ये दूसरा एक इनकाउंटर है जो कौंदियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है।
जी, और ये उस्मान चौधरी के बैकग्राउंड के बारे में क्या बातें सामने आ रही है, किस तरीके से ये अपराध की दुनिया में संलिप्त था और एक शूटर के तौर पर अतीक के साथ काम कर रहा था? जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये गोली चला रहे थे तो लग रहा था कि ये सब फास्ट शूटर हैं और वाकई इस तरह से ये लोग ठेका लेकर इस तरह की हत्याएं किया करते हैं। ये सूत्रों का वाले जो खबर मिली है कि ये हत्या जो होती है, जो इस तरह की हत्या करते हैं, ये इस हत्या की पूरी सुपारी लेते हैं और जो प्रोफेशनल किलर होते हैं उनकी तरह ये क्राइम करते हैं। हालांकि पुलिस ने अभी उनकी कुंडली नहीं निकाल ली है आपराधिक कि किस तरह से ये कहां कहां पे किस किस जगह पे लिप्त है। हालांकि जल्द पुलिस इस सारी चीजों के बारे में जानकारी देगी कि इसके अलावा, इस घटनाक्रम के अलावा किस किस जगह पे यह अपराध इन्होंने किया और क्या क्या इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये पुलिस जल्द से जल्द निकालकर सामने पेश करेगी। चलिए पंकज, और ज्यादा जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका ये ताजा अपडेट देने के लिए। तो उमेश पाल हत्याकांड में ये बड़ी अपडेट कि उस्मान चौधरी नाम के एक आरोपी का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया है, जिसकी मौत हो गई है। सूत्र बता रहे हैं इसके ऊपर 50,000 का इनाम यूपी पुलिस ने रखा था। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।